रीकैप, मोंटेग स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1970। मोंटेग जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया के लिए और इनका पूरा नाम था एडविन सैमुअल मोंटेग। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अगस्त 20, 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसको कि जाना जाता है अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के नाम से। ये जो स्टेटमेंट था इसके अनुसार जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ये है कि पार्टिसिपेशन जो इंडियंस का है वो बढ़ना चाहिए हर ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन के, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का। उसमें एक व्यू जो था वो ये था कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर, और इसे जो है एक अहम हिस्सा माना गया ब्रिटिश एम्पायर का। अब से जो डिमांड्स थी नेशनलिस्ट की, सेल्फ गवर्नमेंट की या होम रूल की, वो सेडिशियस नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ये जो है अटेनमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर है या इंडियंस के लिए है, ये अब से गवर्नमेंट पॉलिसी बन गई है। पहले जो 1909 में मॉर्ले का स्टेटमेंट था ये उसके जैसे नहीं है, जिसमें उन्होंने साफ साफ मंशा दिखाई थी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को देने को तैयार नहीं। साथ ही साथ जो टर्म था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसका इस्तेमाल जो है वो एक कंडीशन पे होगा कि जो रूलर्स हैं अब वो आंसरेबल होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, ना कि सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल गवर्नमेंट जो लंदन में बैठी है उसके लिए। तो ये बात उनको साफ हो जाती है कि ब्रिटिशर्स का कहीं कोई इरादा नहीं था पावर को हैंड ओवर करने का जो प्रीडोमिनेंटली इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं उनको, खासतौर से इंडियन मेजोरिटी के। अब इसलिए कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो कहीं किसी हद तक इलेक्टेड असेंबलीज के लिए, जिसमें भी कहीं ना कहीं साइज है प्रोपोर्शनल इलेक्टेड मेंबर्स का वो घटता या बढ़ता रह रहा था। तो इसको जो है कह सकते हैं हम डायरार्की जो है ये एक तरह का कॉन्सेप्ट था जो इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पर इसको लेकर इंडियन के ऑब्जेक्शंस थे वो टू फोल्डेड थे। एक तो पहला कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था, दूसरा गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि क्या नेचर और टाइमिंग होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इंडियंस जो है इस बात पर नाराज़ थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि इंडियंस के लिए क्या अच्छा है और क्या